हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्कूल से, यूट्यूब से भी हेल्प मिल जाती। तो हमने ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स इससे पहले वाले एक्सरसाइज 6.2 तक कराया है, कंसेप्ट भी कराए। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और आपको 9th क्लास की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, आप कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम कराएंगे आपको इसका एक थर्ड पार्ट, यानी थर्ड वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट। तो पहला क्या है कि लाइंस और एंगल्स बहुत सारे रिलेशनशिप्स पढ़े। आज हम कराएंगे आपको कि एक थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे होता है। मतलब होता तो है, ये बात तो जानते हैं, लेकिन अभी तक कभी प्रूफ करके मैथमेटिकली नहीं दिखाया गया। क्लास 7th में ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, तो आज हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिकल इसका प्रूफ करेंगे, और वो कटिंग पेस्टिंग वाला नहीं, एक्टिविटी वाला नहीं, प्रूफ करेंगे उसको। तो हमारे थ्योरम क्या है, ये थ्योरम नंबर है ये हमारा कि 6.7 द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल भी कहते हैं। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस बात को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में बिना डायग्राम के कुछ होता ही नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। इसका नाम मेंशन कर दिया ABC, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो जैसे पहले करते रहे कि क्या गिवन है उसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने गिवन लिखा कि एक ट्रायंगल हमें मालूम है कि ABC एक ट्रायंगल गिवन है। टू प्रूव दैट, यानी हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, नेमिंग कर सकते हैं बेटा हम, इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा। पहली बार किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि एक लाइन इस तरीके से क्या होगी, हमने ड्रॉ कर दी जो कि किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है और A से पास हो रही। तो इसका भी कुछ नाम डाल लिया, यहाँ पे P लिख लिया, यहाँ पर Q लिख लिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम देख लेंगे कि ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। तो इसको हमने पहले इसलिए बना लिया कि इसकी नेमिंग कर देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं कि 1, 2, 3 और 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया, तो कम लिखना पड़ेगा, हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ लिखा हमने कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है जो अभी बता रहे थे कि ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC विच इज पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, A से पास हो रहा है। अब हमने लिखा प्रूफ, बहुत सारे तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, हमारी कोशिश होगी कि आसान से आसान तरीका आपको बताया जाए। देखो क्या है बच्चों कि APQ पैरेलल बनाई है हमने किसके, BC के पैरेलल है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो अगर ये इस लाइन के पैरेलल है तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा, आप अपने दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने लिख लिया भाई यहाँ पर कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और दूसरा क्या है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इस टाइप के एंगल्स हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब बात आप देखो कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन पर एक तरफ बने हुए सारे एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ये लाइन ऐसी थी, ऐसे बने हुए, पहले बहुत बार बताया, तो जितने भी ये एंगल्स हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरीके से अगर इस लाइन के नीचे भी इस तरीके से एंगल बने हुए तो उनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं हम इसको। अब देखो 4 किसके इक्वल है, तो अब यहाँ हमने नंबर 1 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया नंबर 2। यहाँ हम लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अप्लाइंग या अप्लाई लिख लो, अप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, हमें क्या मिलेगा कि 4 के बराबर 2 है और 5 के बराबर 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। नीचे क्या लिख देंगे, हेंस, ठीक है। इसके बेटा एक और नाम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, मतलब पूरा ना लिखने के बजाय क्वेश्चन में साइड में हम आगे लिखा करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, यही लिखेंगे शॉर्ट में। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड देन कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी बुक में जो है वो थ्योरम नहीं, एक स्टेटमेंट दे रखा और उसका प्रूफ वगैरह गिवन नहीं, लेकिन अप्लाई बहुत होता है आगे क्वेश्चन में, इसलिए हम उसका क्या करेंगे कि प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसको प्रूफ कर देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ कि उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ये लिखा थ्योरम 6.8 कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझते हैं पहले इसको, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है और इस लाइन को मैंने आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो एंगल है इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे और ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है। तो इसका क्या है कि इसको वैसे तुम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब इसके अपोजिट ये दोनों एंगल। अगर इस लाइन को हम इस साइड में खींच लाएं इस तरीके से, तो हमारा क्या होगा कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा और ये किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके, ठीक है। अगर मैं इसको खींच लिया जाता इस साइड में तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता, तो ये प्लस ये, ठीक है। और एक ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं और हमने इस लाइन को इस साइड खींच लाए, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये किसके इक्वल होगा, इसके प्लस इसके। अगर इस लाइन को मैंने इस साइड में खींच ले जाता हूँ तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके प्लस इसके, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि इस साइड को मैं आगे की तरफ खींच लाऊं तो ये किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके। तो ये बात हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इस वाले थ्योरम में, और इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगी। ये आसान सा बेटा प्रूफ होगा, हमारी बुक में क्वेश्चन इस पर बेस्ड कुछ दे रखे हैं एक्सरसाइज 6.3 में। तो पहले हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया ये, और इस ट्रायंगल में चलो इस लाइन को मैंने प्रोड्यूस कर दिया और इसको ये मार्क कर दिया, ये ए बी सी और यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया हमारा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये बुक में कह रहा है ना बी सी को प्रोड्यूस किया, तो फिर ये जो एक्सटीरियर एंगल बना वो इसके प्लस इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन में बी सी प्रोड्यूस टू डी, बी सी प्रोड्यूस टू डी।
दिन तक मैंने उसको एक्सटे लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है कि टू प्रूव दैट हमारा क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल EXT का मतलब एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू कौन सा एंगल लिख लें, EAA प्लस B भी लिख सकते हैं या CAB भी लिख सकते हैं या BAC प्लस एंगल ABC ऐसा भी लिख सकते हैं, नेमिंग भी कर सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हमने प्रूफ, बहुत आसान सा बेटा प्रूफ है कि ये एक ट्रायंगल है, यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC AB और C, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने लिख लिया कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BC A या AC B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जो थ्योरम प्रूव कराई उसके अकॉर्डिंग ये होगा, तो इसके आगे क्या लिख लूँगा मैं, by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, ठीक है। तो angle sum property of the triangle ये हमने मान लिया, आ गया हमें मालूम है ये बात। अब देखो एक लाइन पे बहुत बार बताया कि ये और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, सम कितना होता है इनका 180 डिग्री। तो मैंने लिखा कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे ऐसे ये लीनियर पेयर हैं। देखो ये भी 180, ये भी 180, तो दोनों बराबर हो गए, तो मैं यहाँ पर क्या नीचे लिख लूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल लिख लेते हैं, BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। देखो कौन से दो इक्वल आ रहे हैं उनको ये हम क्रॉस कर देंगे, ACB यहाँ पर है, ठीक है, और C एंगल ACB यहाँ पर लिखा हुआ, BCA ACA एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, तो ये बात प्रूफ हो गई इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हमारी दो थ्योरम्स थी जो कि एक्सरसाइज 6.3 में क्या होंगी कि यूज होंगी। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर और एक दो क्वेश्चन पहले उससे करते हैं, ठीक है, और द वीडियो एंड कॉपी इट। बेटा ज्योमेट्री में कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आपसे फिर नहीं होगा, फिर लर्न नहीं की जा सकती। बच्चे लर्न करने की कोशिश करते हैं, कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंसेप्ट पे आप कंसंट्रेट कीजिए। मैथमेटिक्स में जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हर टीचर कहता है कि कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, यानी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन एंड हैंड्स, और पार्ट वन। तो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 6.39, यानी ये किस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसमें इस लाइन को इसने इधर एक्सटेंड कर रखा है और इसको इस साइड में एक्सटेंड कर रखा है। नेमिंग कर लेते हैं इसकी PQR, यहाँ पर P है, Q है और R है, ये एंगल हमें दे रखा है 135 का, यहाँ पर नेमिंग में S लिखता है, यहाँ पर है T और ये एंगल है 110, ठीक है। हमसे निकलवा कौन सा रहा है, हमसे कह रहा है कि एंगल PRQ, एंगल PRQ हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और इसका प्रूफ तो करना नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया।
ठीक है, और ये व्हाट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन आई मेंशन ऑन द डायग्राम, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर क्या लिख कर दे रखा। तो देखो ये एस पी आर एक तो ये दे रखा है, ये टी क्यू ये दे रखा है। हम पहले सोचते हैं कि जो चीज़ हमें दे रखी है उससे हमें क्या क्या चीज़ और मिल सकती है। फिर हम जाते हैं इस पर कि पी आर क्यू, तो पी आर क्यू कहाँ पर है और वो क्या कैसे पता हो सकता है हमें। तो बेटा पी आर क्यू ये वाला एंगल है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ये एंगल कैसे निकाला जा सकता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है कि ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके प्लस इसके, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता, ये फिर कैसे पता किया जा सकता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा। तो 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो 110 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक तो ये इस तरीके से हो सकता है, दूसरा और क्या तरीका लगा सकता हूँ, ये इससे ये प्लस ये 180 डिग्री तो ये निकल आएगा, ये प्लस ये 180 डिग्री तो ये निकल आएगा। फिर इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो दो हमें मालूम है, तो तीसरा क्या होगा आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो कोई सा भी मेथड जो आसान सा, जो छोटा लगे, जो सिंपल लगे, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, हमने लिखा कि एंगल एस पी आर प्लस एंगल डालिक में क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और लीनियर पेयर, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट में दो लाइनें कम लिखनी पड़ेंगी। तो एस पी आर 135 डिग्री का है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135, इससे इसको माइनस कर दिया तो 5 ही तो ये आ गया, 7 में से 3 गया 4 बन, तो एंगल क्यू पी आर इसके बराबर होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा। अब मैंने क्या लिखा कि एंगल टी क्यू आर, मतलब इसी ट्राइंगल में इंटर एंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल ये लिख दिया, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू मुझे निकालना है, बाकी ये और ये दोनों हमें मालूम है। तो ये हमें कितना डिग्री का दे रखा है, 110 का, और एंगल क्यू पी आर ये हमने 45 डिग्री का फाइंड आउट कर लिया। पी आर क्यू इसको इधर लाओगे, माइनस कर दोगे 45, एंगल पी आर क्यू की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 10 में से 4 गए तो 6, तो ये बराबर आ गया पी आर क्यू, हमने एक तरीके से ये क्या हो गया निकल आ गया, सलूशन आ गया इसका, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अगर समझ में आई है तो कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें, पॉज द वीडियो देन गो डाउन देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर 6.40 एंगल ए, पहले डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि डायग्राम में क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम इसको फिर अरेंज करेंगे। जो भी चीज़ गिवन होती है उसको हम बोर्ड पे पहले डिस्प्ले कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दे रखा है और इस तरीके से ये दे रखा है, यहाँ पर ओ नाम दे रखा है, ये एंगल 62 है और ये एंगल कितना है 54 दे रखा है, 54 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 62, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉल्यूशन एंगल एक्स इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 54, ठीक है। और क्या दे रखा है, ओ वाई एंड ओ जेड आर द बाइसेक्टर्स, यानी ये दोनों क्या हैं, बाइसेक्टर्स है, ओ वाई बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड और दूसरा ओ जेड बाइसेक्ट्स, इसको बाइसेक्ट करता है एक्स जेड वाई को। तो
हमसे निकलवा क्या रहा है, ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल निकलवाएगा एक तो, और दूसरा कह रहा है लिख लेते हैं कि एंगल ओ जेड वाई फाइंड आउट करना है मुझे, और एंगल वाई ओ जेड फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड। तो देखो भाई कैसे होगा, बहुत आसान सा काम है। एक ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो ये पूरा एंगल निकल आएगा, ठीक है। अगर ये पूरा निकल आएगा तो क्या होगा कि ये वाली लाइन इस वाले एंगल की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये एंगल है, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के कैसा होगा, इक्वल होगा। देख लो कि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लाइन का अगर बाइसेक्टर हो तो इसका मतलब लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या देखें कि मुझे जेड मिल जाएगा, जेड से फिर क्या कि ये बाइसेक्टर हो जाएगा, आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट निकल आएगा। अब ये भी बाइसेक्टर है तो 54 का आधा कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में फिर मुझे दो एंगल मालूम पड़ गए, तो 180 डिग्री का तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है, तो इससे क्या होगा कि तीसरा एंगल निकल आएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, बताते हैं आपको कि कैसे इस तरीके से बताने में बड़ा आसानी से आसान लगता है। एंड व्हेनेवर राइट ऑन द बोर्ड और इन द कॉपी तो क्वेश्चन इतना बड़ा इस साइज का हो जाता है कि जाने जैसे क्या क्या लिखना पड़ रहा हो, ठीक है। तो मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल एक्स और क्या लिख दूँ बाई लिख लेते हैं, जेड लिख लेते हैं, क्योंकि मैं ये ट्राइंगल लिख रहा हूँ तो बाई में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या हो गया कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे क्या रीजन लिखूँगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल और ट्राइंगल, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 62, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 54 दे रखी है, x, z, y मुझे फाइंड आउट करना है। दोनों का सम कितना हो गया, 4 और 2 6 और 6 5 11 प्लस एंगल x, z, y 180 डिग्री, एंगल x, z, y 180 माइनस 116, ठीक है। 4 आ गया, 10 में 6 गया 4 आया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, तो ये 64 का आ गया। तो अब मुझे क्या करना है कि एंगल ओ जेड वाई फाइंड आउट करना है, वो किसके बराबर होगा, आधा होगा इस वाले एंगल का। क्यों आधा होगा, क्योंकि ओ जेड बाइसेक्ट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल एक्स जेड वाई को इस वाले को, या ओ जेड इज बाइसेक्टर लिख सकते हैं, इस बाइसेक्टर या बाइसेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1/2 इंटू 64 हो गया, तो ये आ गया मेरा 32 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया, अंदर वाला 32 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब मैं इधर वाला एंगल इसी तरीके से ओ बाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसका है, एक्स बाई जेड का। तो हाफ क्यों कर दिया, क्योंकि ओ बाई इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स बाई जेड का, ठीक है। तो ओ बाई जेड इज इक्वल टू 1/2, ये एंगल 54 का कितना आ जाएगा, 27 का, ठीक है ना। अब हम क्या लिख लेते हैं कि एक ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए, ओ बाई जेड तो एंगल ओ किसके बराबर, ये ओ लिखा बाई ओ जेड, ओ प्लस एंगल क्या लिख लूँ, या चलो पूरा लिख लेते हैं, क्या लिखा है कि बाई ओ जेड प्लस एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब दो हमें पता है ये दोनों, तो ये तीसरा आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो ओ बाई जेड निकालना है,
ओ बाई जेड निकालना है, ओ बाई जेड के वैल्यू में देखिए कितने निकल के आई 27 और ये हमारी 32 आई 180 डिग्री। तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 7 × 9 और 3 × 2 = 5, इसको माइनस कर दोगे 1 आ गया, 7 में से 5 = 2, तो इस तरीके से ये एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए इस एक्सरसाइज के, इतने इसमें दे रखे हैं 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट वाले 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने डालूंगा, तब तक आप इनको समझिए ताकि वो और आगे वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए हमारी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।